नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पल्लवी। नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। और कई सारे स्टॉक्स होंगे जिस पर खास तौर पर हम चर्चा करेंगे, जो बाजार एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी देखिए, अच्छी बात यह है कि निफ्टी जो है 8700 के ऊपर लगातार टिका हुआ है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन आज छोटे मझोले शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बाजार में जो गिरावट, थोड़ी जो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, उसकी बड़ी वजह बैंकिंग शेयरों में आज दबाव देखने को मिला। खासतौर पर सरकारी बैंक देखिए, वहाँ आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं एक मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। PNB, OBC, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाकी और सरकारी बैंक देखिए जहां दबाव है, SBI जैसे बैंक है जहां दबाव देखने को मिला, अलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक का दबाव देखने को मिला। इसके अलावा प्राइवेट बैंकों में भी कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। तमाम प्राइवेट बैंक देखिए, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, ये वो लार्ज कैप बैंक हैं जिसकी वजह से आज जो है थोड़ा बाजार में थोड़ा सा मुनाफा उसे देखने को मिला। इसके अलावा रियल्टी शो में आज के ट्रेड में देखिए, एक मिला जुला कारोबार हो रहा है। कुछ एक रियल्टी स्टॉक्स जहां मजबूती देखने को मिली, लेकिन कुछ एक रियल्टी स्टॉक्स देखिए जहां बड़ी गिरावट देखने को मिली आज के ट्रेड में। खासतौर पर प्रेस्टीज स्टेट्स में बड़ी गिरावट है, करीब 5% गिरावट। DB अनंतराज, पासना डेवलपर जैसे स्टॉक्स है जहां की गिरावट देखने को मिली है। FMCG के साथ एक अच्छी बात है कि आज थोड़ी वहां खरीदारी लौटी है, बाजार अटक रहा है तो FMCG में खरीदारी देखने को मिली है। ITC, HUL, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स है जहां थोड़ी मजबूती देखने को मिली। और यही एक सेक्टर है जो बाजार को थामने की कोशिश कर रहा है। छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स में आज के ट्रेड में अच्छी खरीदारी, आरती ड्रग्स, पिरामल इंटरप्राइजेज, सिप्ला, लाइका लैब जैसे स्टॉक्स है जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज एक और छोटा सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं जहां खरीदारी देखने को मिली। BPL 20% का अपर सर्किट पे, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉयड इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिले। राणे ग्रुप के शेयर में तेजी जोरदार, 20% तक का उछाल, बीते कई दिनों से तेजी, आज भी तेजी देखने को मिल रही है। और टायर शेयर देखिए, आज वहां भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। पल्लवी, बाजार में तेजी है। चलिए, साथ ही कुछ अहम स्टॉक स्पेसिफिक खबरें भी बताएंगे पतंजलि को टक्कर देने के लिए। ITC ने कमर कस ली है, क्या है तैयारी? खुद कंपनी के CEO से जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनाएंगे आपको। और साथ ही रुपए के डिवैल्यूएशन की खबरों के बाद सरकार की ओर से क्या सफाई आई है, क्या है पूरा मार्शा। और इसके अलावा बुलेटिन में चर्चा करेंगे पार्श्वनाथ की, सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है कंपनी को, कोर्ट ने बिल्डर्स को रकम जमा करने का आदेश दिया है। चलिए, आपके सवालों को भी शामिल करेंगे, लेकिन एक बार तरीका बता दें किस तरह अपने सवाल आप शामिल कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। आप हमें फोन के जरिए, SMS के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा कोड है मिड कैप, लिखकर आपको SMS करना है 57575 पर। साथ ही हमारी टोल फ्री लाइन 2 बजे तक खुली हुई है, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर है 1800 1803545, लैंडलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं 01204258237। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं आप हमसे, नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अपना स्टॉक लिखिए, स्टॉक किस भाव पर आपने खरीदा वो लिखें और इसे दो खास मेहमान हमारे साथ आज के शो में शामिल हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, अभिमन्यु सोफट और साथ ही पंकज जैन, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नवदीप, आप सुन पा रहे? चलिए, विक्रम इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार विक्रम, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? हेलो जी विक्रम, नमस्कार। नमस्कार, स्टॉक बताएं। एक्चुअली टाटा मोटर्स का कॉल 590 का लिया है। ओके, 20.35 के रेट पे। ओके, ठीक है। अभी बहुत डाउन हो चुका है वो। दो लॉट लिए है। ठीक है, ठीक है। 590 का कॉल आपने 20.35 के लेवल्स पर लिया है, इंट्राडे के लिए आई थिंक पोजीशन बनाई है आपने। अभिमन्यु हमारे साथ मौजूद है, अभिमन्यु क्या राय देंगे टाटा मोटर्स पर? आज के सेशन में गिरावट दिख रही है, ऑलमोस्ट आधा फीसदी नीचे है, इनके निचले स्तरों पर ही आज ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स। जी नमस्कार, टाटा मोटर्स ऑलरेडी अगर आप देखेंगे पिछले 20 दिनों में ऑलरेडी 14-15% से ऊपर जा चुका है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो टाटा मोटर्स मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बेट है इन द लार्ज कैप स्पेस, कंसिडरिंग के JLR का 28% वॉल्यूम ग्रोथ आया है ये लास्ट मंथ में, और अदरवाइज भी अप्रैल से देखें तो 13% से वॉल्यूम ग्रोथ आया है। इंटरडे और शॉर्ट टर्म के हिसाब से कहना मुश्किल होगा कि क्या होगा, पर आई वुड से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको टाटा मोटर्स में बने रहना चाहिए। तो सीधे तौर पर अभिमन्यु मानते हुए कि टाटा मोटर्स में बनी रही है, अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अब हमारे साथ जो है रोहित नायक जुड़े हैं अहमदाबाद से। रोहित, क्या है सवाल आपका? सर मैंने पुंच लॉयड के शेयर लिए हुए हैं, 2000 शेयर है मेरे पास, और 18 रुपए के CMP के हिसाब से लिए थे। तो मुझे ये जानना था कि मुझे उसे होल्ड करना चाहिए, अगर जाएगा तो कितना मैक्सिमम जा सकता है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए?
रोहित, आपने काफी हिम्मत दिखाई और शेयर को पिक किया, एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है आपको शेयर में। खुद से निकाला था आपने ये शेयर, चुना था? सॉरी, आपने ये शेयर खुद से पसंद किया था? जी। पंकज, जिस तरह से हम देख रहे हैं रोहित को एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, करीब 30-35% तक का मुनाफा देखने को मिला पुंजलॉइड पे, अच्छा खासा रिटर्न, क्या लगता है आपको, इनको होल्ड करना चाहिए या एक बार के लिए जो है आधा प्रॉफिट बुक कर ले? पिछले दिनों हमने देखा है इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज, इनमें एक अच्छा एक उछाल आया है और गवर्नमेंट का जिस तरह से बयान आया है, गवर्नमेंट का जो रवैया है, आई थिंक इनमें एक पॉजिटिव ट्रैक्शन है। एंड जो एक थोड़ा सा थमाव देखा गया बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस, आई थिंक इट मे बी अ टेम्प्रेरी काइंड ऑफ फिनोमेना। सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि इनमें जो पॉजिटिव अग्रसर मूवमेंट है दैट वुड कंटिन्यू और इनको अभी स्टॉक में बने रहना चाहिए। चलिए, पुंजलॉइड के अंदर बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। आज के सेशन में हल्की कमजोरी दिखी, ऑलमोस्ट 2% की कमजोरी पुंजलॉइड में आज दिखी 27 ऑड लेवल्स पर ट्रेड करते हुए। दिनेश हमारे साथ है, अगले दर्शक। नमस्कार दिनेश, पूछिए क्या सवाल है आपका। दिनेश सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलो। एशियन पेंट का 3500 शेयर है और मुझे 1980 में आईपीओ में 25 शेयर लगे थे, कच्चा बच्चा मिलकर 3500 हुआ। इसको क्या करूं, होल्ड करूं कि आगे चलूं? बहुत लंबे समय से आप होल्ड कर रहे हैं, 23 रुपए पे आपने खरीदा था, 1165 आज का भाव है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और उसका फायदा भी नहीं मिला। पहले तो बहुत मुबारक, मल्टी फोल्ड रिटर्न आपने लिया है। इनफैक्ट अभिमन्यू, एशियन पेंट्स इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर भी एक मार्केट लीडर है और इन्होंने क्योंकि बहुत समय दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, एक शानदार मुनाफा कमाया। अब इन स्तरों पर क्या करें, क्या जो मुनाफा है कंप्लीटली निकाल लें या फिर पार्शली आप प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे? सी, मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स को अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर काफ़ी बेनिफिट होने वाला है लोअर क्रूड प्राइस की वजह से। ऑल्सो अभी जैसे मॉनसून इम्प्रूव हो रहा है तो वॉल्यूम ग्रोथ भी पेंट सेक्टर में पिकअप होना चाहिए। वैल्यूएशन के हिसाब से यस थोड़ा महंगा है, तो अगर इन्होंने इतनी देर के लिए रखा है, अगर इनको पैसे की ज़रूरत है तो ये निकाल के रखें, अदरवाइज ही कैन कंटिन्यू होल्डिंग एशियन पेंट्स, यही मेरी इनको सलाह रहेगी। तो एशियन पेंट अगर आप चाहते हैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप और रखना होल्ड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। शेयर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है, सीधे तौर पे ये बताता है कि अगर किसी शेयर में आप निवेश करते हैं, लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो कमाई करोड़ों में होती है। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, कल्पेश जुड़े हैं जामनगर से। कल्पेश क्या सवाल है आपके? सर, मेरा सवाल ये है कि मैं शांति जी कल्पे सर, मैंने शांति गियर्स लिए है 138 के प्राइस पे और 130 नंबर ऑफ शेयर्स ले रहे हैं। ठीक है। आप पंकज जी, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में तमाम ऑटो जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, हालांकि शांति गियर जैसे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, लगातार ऑटो नंबर्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं कंपनियों के, आपको क्या लगता है शांति गियर्स में इनको होल्ड करना चाहिए या ये स्विच कर सकते हैं किसी और शेयर में? देखो, स्विच करने के ऑप्शन तो एक टाइम रहती हैगी, बट इन्होंने ऊपरी स्तर पे लिया हुआ है। नॉट टू फॉरगेट कि शांति गियर पिछले 6-7 महीने में करीब 80-85 रुपए से चला हुआ है, करंट लेवल्स पे है एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। बीच बीच में हम देखते हैं कि वॉल्यूम्स थोड़े से ड्राई आउट हो जाते हैंगे, बट आई थिंक ओवरऑल जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह का सेक्टर को बिलोंग करता है और जिस तरह के क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, आई थिंक एक डिसेंट शेयर है, इन्हें लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अगले उछाल पे आई थिंक स्टॉक इज प्रीटी कैपेबल ऑफ मूविंग टू लेवल समवेयर बिटवीन 135 एंड 145 एंड दैट कुड बी द प्लेस वेयर ही कुड थिंक ऑफ स्विचिंग आउट और कमिंग आउट ऑफ द स्क्रिप्ट। एज ऑफ नाउ आई थिंक ही शुड होल्ड ऑन टू द स्क्रिप्ट। ऑलराइट, शांति गियर्स के अंदर बने रह सकते हैं आने वाले समय में, इसमें 135 से 145 तक के लेवल्स आगे देखने को मिल सकते हैं, हालांकि आज के सेशन में हल्का दबाव 125 के आसपास ट्रेड करते हुए। कुछ सवाल एसएमएस के जरिए हैं, हमें रामू ने सवाल भेजा है गुंटूर आंध्र प्रदेश से और टाटा स्टील पर ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। इनके पास ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स हैं, 382 के लेवल्स पे खरीदे हुए हैं, हल्का नुकसान इन्हें हो रहा है, क्वांटिटी लगभग 1000 शेयर्स की है। अभिमन्यु क्या सलाह देंगे टाटा स्टील पर, क्या लगता है आपको? सी, क्लियरली जो मेटल पैक है उसके अंदर वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, जैसे कि आपको पता है फेडरल रिजर्व जो है वो नेक्स्ट एक वीक के अंदर कुछ इंटरेस्ट रेट के बारे में कहेगा,
ग्लोबल इकोनॉमी में जो डाउनफॉल हो रहा है, ग्रोथ नहीं आ पा रही है, उससे क्लियरली स्टील सेक्टर को इम्पैक्ट रहेगा। और हमें लगता है क्योंकि कोरस वाला डील भी नहीं हो पाया है, तो टाटा स्टील इस लेवल पे हम रिकमेंड नहीं करेंगे बाय करने के लिए। आर व्यू इज मोर ऑफ अ रिड्यूस व्यू ऑन टाटा स्टील। टाटा स्टील पे सीधे तौर पर आते हुए अभिमन्यु की तरफ से कि आप शेयर से जो है अभी होल्ड करके चलिए, हालांकि 2% गिरावट देखने को मिल रही है। अब एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जेके टायर पे दिल्ली से, शशि जुड़े हैं। शशि, किस शेयर पे जवाब सवाल है आपका? Yeah, hi. 94 is my buy price and the stock name is JK Tires. That's 250 is the quantity. जेके टायर के शेयर्स हैं इनके पास, एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है, 94 रुपये पर उन्होंने लिया है, अभी 146 पे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है पंकज कि तमाम वैसे शेयर जो टायर सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसमें एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है। आपको लगता है कि अब इन कंपनियों के लिए जो है थोड़े हालात और बेहतर दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि रबर की कीमतों में एक उछाल देखने को मिला था। जेके टायर पर खासतौर पर क्या रहोगे आपकी? देखो, अच्छी कंपनी है, अच्छी परफॉर्मेंस है। बहुत शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें, पिछले 2 महीने में करीब 90-95 रुपये से करंट लेवल्स पे आ गया है। ऑलमोस्ट 50% प्लस एप्रिसिएशन ये स्टॉक दे चुका है। तो एक 5 to 155 आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ एक रेजिस्टेंस जोन है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी प्लेटो फॉर्मेशन हो, बट ओवरऑल टायर स्टॉक सारे ही पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में चल रहे हैं। रबर प्राइजेस में काफ़ी एक डाउनफॉल आया, दैट हैड बीन द एडेड ट्रिगर फॉर लास्ट 1 or 2 months। तो आई थिंक मोमेंटम इज ऑन, मिड कैप स्टॉक चल रहे हैं, अच्छे सेक्टर को बिलोंग करता है, तो वन शुड राइड ऑन इट। और मे बी समवेयर बिटवीन 155 एंड 160 और 150-160 के बीच में थोड़ा सा आधे में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर मानते हुए कि जेके टायर जो एक शेयर आप होल्ड करके रखिए, 155 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है।